नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर एनईपी के से। एनईपी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनईपी का ये जो सिलेबस है, एनईपी 2020 द्वारा जो लगाया गया है एमएससी प्रवेश के लिए, इस सिलेबस के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। और ये हम पढ़ रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह का पेपर हो सकता है, तो यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो फर्स्ट पेपर के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं इसको। पेपर फर्स्ट पेपर रहेगा आपका ये फर्स्ट, ठीक है। और इसका नाम रहेगा यहाँ पर आपका एलगी और फंजाई, एलगी फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स, एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेन पेपर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम शुरू में बात करेंगे एलगी की, फंजाई की और ब्रायोफाइट। ऐसे तीन चार यूनिट रहेंगी चार। यहाँ पर देखो क्या चेंजेज हुए हैं, तो यूनिट जो रहेंगी वो चार रहेंगी, टोटल चार यूनिट में है ये सिलेबस आपका। अब इसके अंदर क्या है कि जो जनरल पैटर्न है थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए और ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और क्या चेंज करेंगे हम इस में जो नया हम पढ़ा रहे हैं, अब चीज़ें हमने पहले ही पढ़ा रखी हैं सारी की सारी, लेकिन अब नया क्या है, नया बदलाव क्या किया गया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूनिट है अपनी कितनी, चार, ठीक है। अब इन चार यूनिट के अंदर हम देखें तो जो है पैटर्न कैसा है, पेपर पैटर्न पहले उसको समझ लेते हैं। तो हमारा जो पेपर पैटर्न है ना, पेपर पैटर्न तो हमारा है नॉर्मली इस तरीके से कि चार यूनिट रहेंगे, उसमें से एक रहेगा क्वेश्चन नंबर वन। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा ये ऑल यूनिट में से आएगा, ठीक है। जितनी भी यूनिट है उन सब यूनिट से क्वेश्चन नंबर वन आएगा, ठीक है। ये किस तरह से फॉर्मेट में हो सकता है, तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। इसके अलावा ये वन लाइनर हो सकता है, वन लाइनर हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब बच गए हमारे कितने, चार क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, टोटल क्वेश्चन रहेंगे पांच, ठीक है। टोटल पांच क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन ही हो गया। चार क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका क्वेश्चन नंबर दो, इसके अंदर यूनिट फर्स्ट से आएगा, यूनिट फर्स्ट से दो क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। दो क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर यूनिट फर्स्ट से, क्वेश्चन नंबर दो में दो पार्ट रहेंगे इसके, तो फर्स्ट यूनिट से रहेंगे आपको एक करना है दोनों में से, अथवा सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर थ्री रहेगा आपका, वो रहेगा आपका यूनिट नंबर सेकेंड से, इसमें भी दो क्वेश्चन रहेंगे, कोई सा भी एक करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चार रहेगा, ये रहेगा आपका यूनिट नंबर थर्ड से, और क्वेश्चन नंबर पाँच रहेगा आपका यूनिट फोर से, ठीक है। इसमें भी दो दो क्वेश्चन रहेंगे, अथवा में करना है, मतलब यहाँ पर अथवा में आएगा। ये तो हमारा पैटर्न है जो चल रहा है, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या बदलाव किया है, तो हमें उस यूनिवर्सिटी के आधार पर भी चलना पड़ेगा। तो उन यूनिवर्सिटी का बदलाव क्या है कि जो ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर का मतलब है कि एक सेमेस्टर नंबर एक, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री, ठीक है ना। इनके अंदर क्या है, ये एमसीक्यू पैटर्न आएगा, एमसीक्यू कुछ यूनिवर्सिटी में, सभी में नहीं है, एमसीक्यू पैटर्न ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, तो ये भी इसमें साथ में रहेगा, ठीक है। अब जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमसीक्यू पैटर्न नहीं है उनको क्या फ़ायदा है इस कोर्स को पढ़ने से, ठीक है, क्योंकि कोर्स तो यही रहेगा और पैटर्न भी यही रहेगा, तो हम पढ़ाएंगे तो इसी तरह फॉर्मेट में आपको, मेन तो यही है, ठीक है। ये भी क्या है, इसको रीजन है करने का, ऐसा सिस्टम करने का रीजन है एक सबसे बड़ा, वो है स्टाइल। क्योंकि जब एडमिशन हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो उनको एडमिशन लेने में काफ़ी टाइम लग रहा है, दूसरी चीज़ वो परीक्षाएं टाइम पर नहीं करवा पाते हैं, तो फिर परीक्षा हो भी जाती है तो कॉपीज चेक करने में समय लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको क्या किया गया है, एमसीक्यू पैटर्न किया गया है, ताकि कंप्यूटराइज तरीके से तुरंत चेक हो जाए और तुरंत ही इसका रिजल्ट दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो चारों सेमेस्टर है आपके एमएससी के, उन चारों सेमेस्टर में सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर फर्स्ट में भी सेम, सेकंड में भी सेम, और थर्ड में भी सेम, और फोर्थ में भी सेम पैटर्न फॉलो कर।
पैटर्न का मतलब ये है कि हम पढ़ाएंगे तो यही मटेरियल आपको, मतलब यूनिट सिस्टम से ही पढ़ाएंगे, पढ़ाने में पढ़ाएंगे डिटेल में ही, लेकिन साथ ही साथ आप आपको देंगे यहाँ पर एमसीक्यूज़। ठीक है, हर यूनिट में, हर टॉपिक के साथ में, हर टॉपिक के साथ में आपको एमसीक्यू देंगे 50, 20 से लेकर 50, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा उसमें कितने बन पा रहे हैं, उतने एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी आपको पढ़ाए जाएंगे। ये एमसीक्यू वाला जो रहेगा सिस्टम, ये रहेगा ऐप के ऊपर। ठीक है, मतलब वहां पर ही आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, हम एक दो क्लास डालेंगे, यूट्यूब पे भी आती है आपकी, आपको पता है ज़्यादा क्लास नहीं होती यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा केवल ऐप के ऊपर। तो जिन लोगों के यहाँ पर ये सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, वो हमारा सेमेस्टर वाला कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर वाला कौन सा बाय करना है आपको, दो अलग अलग तरह के सेमेस्टर है। पुराने सेमेस्टर वाला बाय नहीं करना है, अगर सेमेस्टर वाला लागू हो गया है तो आप एनईपी वाला ही सेमेस्टर वाला जो एनईपी लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको ही आपको बाय करना है। ठीक है, अब उसको आप बाय करते हो तो ध्यान देना है, सिलेबस को जरूर मैच करा लेना है। वैसे तो सब यूनिवर्सल सिलेबस हो गया है, सब जगह सेम सिलेबस लग रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको आगे पीछे कर रखा है। आगे पीछे का मतलब, जैसे किसी में एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट की जगह ये पेपर नंबर 1 है, तो वहां पर पेपर नंबर 2 आ गया होगा, 3 आ गया होगा, 4 आ गया होगा, इस तरह से कर रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीटली सेम रहेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने, अगर मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक भी आपका एनईपी का सिलेबस लागू नहीं किया है, तो आप ओल्ड सिलेबस जो हमारा चल रहा है आप उसको सिलेबस दे के बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी बाई चांस बीच में आधे वक्त में जाते जाते नया एनईपी सिलेबस लागू करती है, तो हम आपका वो सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास में कि सर हमारे लागू हुआ है या नहीं हुआ है, हमें बताइए। तो देखो, मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहाँ क्या पैटर्न लागू होने वाला है, इसके बाद लागू हो जाएगा तो मैं खुद बताऊँगा आपको कि आपके यहाँ लागू हो गया, आप ही खरीदिए। ठीक है, लेकिन जहाँ लागू नहीं हुआ है वहाँ मुझे पता नहीं कि वो लागू करेंगे नहीं करेंगे, इस साल करेंगे अगले साल करेंगे, ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी के इसके ऊपर। ठीक है, वहाँ उनके मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो आपको क्या करना है, ओल्ड सिलेबस आपको बाय कर लेना है। अगर लागू होता है मिड सेशन के बीच में भी, कभी भी लागू होता है, तो आप हमें बताइए, हम आपका वो सिलेबस कन्वर्ट कर देंगे न्यू सिलेबस के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी पढ़ाई को जो है आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। सीधी बात है, आप जितना जल्दी कवर करेंगे उतना जल्दी आपको फायदा है, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, मेन चीज यहाँ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है परसेंटेज, प्रतिशत लाना। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत आपका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बनाता है, और ये रिकॉर्ड जो है आगे जब आप पीएचडी करने जाओगे, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो वहां पर बहुत मायने रखेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है अच्छे नंबर लाकर पास होना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, तो शुरू करें हम आज का हमारा जो टॉपिक है, हम एलगी के बारे में बात करेंगे, एलगी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट डाल लीजिए अब आप सीधा, ये मैंने थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी तो फिर आपका ही जो है, जो आपके दिमाग में है वो ज़्यादा काम करेगा मेरे बजाय। ठीक है, चलिए तो पॉइंट डाल लीजिए आप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टिक्स ऑफ एलगी। ठीक है, जनरल कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं एलगी के। अब देखो, जनरल कैरेक्टर तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम पहले समझ लेते हैं कि क्या है एलगी। ठीक है, एलगी तो देखो, एलगी क्या होता है, एलगी हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ एलगी को क्या कहा जाता है, हमारे जो सवाल आते हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं, स्टडी ऑफ एलगी क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ एलगी कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ एलगी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है, अब ये जो फाइको शब्द है ना, ये फाइको शब्द, अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्या कि फाइको किसे कहते हैं, मतलब फाइको का मतलब क्या है। तो फाइको जो है वो शब्द बना है ग्रीक शब्द से, ये फाइको जो शब्द है ये एक शब्द है ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द क्या है, फाइकोस, फाइकोस इससे बना है, फाइकोस
साइकोलॉजी जो है, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, और फाइकोज शब्द है ग्रीक शब्द, उसे बनाया फाइको, फाइकोज शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है, इसे बनाया फाइको, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अब ये फाइकोज का मतलब क्या होता है? तो फाइकोज का मतलब होता है सी वीड। फाइकोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सी वीड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्गी है उसका दूसरा नाम क्या है? सी वीड्स भी है, ठीक है। समुद्री खरपतवार के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो एल्गी का जो दूसरा नाम हो गया वो क्या हो गया? सी वीड हो गया, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं अपन कि इसको, इसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम क्या है एल्गी का? तो एल्गी का जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम मतलब कि सामान्य नाम, एल्गी का जो कॉमन नेम है वो क्या है? सामान्य नाम क्या होता है एल्गी का? तो देखो, सामान्य रूप से इसे कहा जाता है पॉन्ड स्कम। क्या कहा जाता है? पॉन्ड स्कम, पॉन्ड स्कम, ठीक है। ये इसका सामान्य नाम है, पॉन्ड स्कम, याद रहेगा नाम। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ग्रीक शब्द है फाइकोलोज, फाइकोज, उसे बना है फाइको, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइको प्लस लॉजी, फाइकोज प्लस लोगस, लोगस, लोगस का मतलब स्टडी करना। लोगस का मतलब क्या है? स्टडी करना, स्टडी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी हो गया, फाइकोज यानी कि एल्गी का अध्ययन करना, इसे बन गया एल्गी शब्द, ठीक है। फाइकोज का असली मतलब क्या होता है? फाइकोज का असली मतलब होता है सी वीड, समुद्री खरपतवार, ठीक है। चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम समुद्री खरपतवार। तो याद रखने के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारा सारा अंग्रेजी में ही लिखें, याद रखने के लिए आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस याद होना चाहिए हमें। आप एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी यूनिवर्सिटीज इसको अलाउ कर रही है, ठीक है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले इंग्लिश में ही लिखना पड़ता था, आजकल क्या है अलाउ कर दिया है, बाईलैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है। दोनों ही भाषाओं में लिखिए। बहुत से सवाल आते हैं, सर क्या एग्जाम में हम हिंदी में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। हमसे ये भी पूछा जाता है कि सर क्या दोनों में लिख सकते हैं? तो दोनों में ही लिखने की कोशिश करें, प्योर हिंदी ना लिखें, ठीक है। चाहे तो आप इंग्लिश लिखें प्योर, कोई दिक्कत नहीं हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो प्योर हिंदी में ना लिखें, उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के शब्दों का इनपुट ज़्यादा होना चाहिए। हिंदी के शब्द जहाँ पर आप अटक रहे हैं वहाँ पर इनपुट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके आगे की जो तैयारी है, आगे आप जो करना चाहते हैं वो आप सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी से हिंदी में उलझ गए, हिंदी के चक्कर में रह गए, तो फिर आगे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए। क्योंकि आप आगे पीएचडी करने जाओगे या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए मान लीजिए, तो भी आपको इंग्लिश में तो पढ़ना ही पड़ेगा, और इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा, कुल मिला के बात ये। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि अभी तक आप बीएससी में हिंदी मीडियम पढ़ के आए हैं, ठीक। तो अब आपको थोड़ी तैयारी करनी ही पड़ेगी, सीधी बात है, समझ गए। तो अब अगर हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपको थोड़े दिनों में 10-15-20 क्लास में हिंदी की बजाय आप अंग्रेजी पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप हमारे साथ चले, हमारे साथ साथ आपने 10 से 20 क्लास ली, तो आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के ही आते हैं, सब हिंदी में ही आते हैं, सारे हिंदी पढ़ के ही आते हैं, कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने इंग्लिश में, लेकिन 10-15-20 क्लास लेने के बाद में सारी कहानी समझ में आ जाती है। सारी कहानी समझने के बाद में आप आसानी से लिख भी पाएंगे और इसको याद भी रख पाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे याद रखना है वो तो हम बताएंगे इसे आपको, क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए, तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका? पोंड स्कम। पोंड स्कम को भी हम समुद्री खरपतवार ही बोलते हैं, सी वीड को भी हम समुद्री खरपतवार ही बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बिल्कुल एकदम 100%, ठीक। चलिए आगे, चलिए। तो देखो अब क्या है एल्गी। अब देखो, हमने कहा एल्गी, अब एल्गी को अलग अलग जगह पर किस किस नाम से जाना जाता है। अब एल्गी को देखो, भारत के अंदर हम क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये शैवाल शब्द हमें मिलता है भारतीय आयुर्वेदा के अंदर, इंडियन आयुर्वेदास, इंडियन आयुर्वेदा, भारतीय जो आयुर्वेद है, ठीक है। आयुर्वेद का नाम सुना होगा आपने, उस आयुर्वेद के नाम अंदर मिलता है हमें नाम किसका? क्या? शैवाल, शैवाल ये वाला नाम मिलता है हमें, ठीक है। शैवाल नाम किस में मिलता है? आयुर्वेद में मिलता है। तो भारत के लोग इसको किस नाम से जानते हैं? शैवाल के नाम से जानते हैं, सिंपल। एल्गी को हम किस नाम से जानते हैं? शैवाल के नाम से। आपने देखी भी है हमारे घरों में, टंकी में, ठीक है, नली नदी नालों में लगी पड़ी रहती है खूब,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो बात हुई किसकी, भारत देश के निवासियों की, कि भारत के लोग एल्गी को किस नाम से जानते हैं, तो वो नाम जानते हैं सेवाल के नाम से, ठीक है। अब रोमन लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो रोमन लोग इसको जानते हैं फ्यूकस के नाम से, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन, अब आ जाता है रोमन सिविलाइजेशन, तो रोमन लोग जो है इसको किस नाम से जानते हैं, रोमन लोग जानते हैं इसको फ्यूकस के नाम से। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो फ्यूकस और फंजाई, फंजाई भी एक शब्द है, नाम सुना होगा आपने। तो हमसे पूछ लेता है कि इनमें से सेवाल के लिए या एल्गी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, या रोमन लोग एल्गी को किस नाम से जानते थे। अगर ये आ गया जब तो आप लिख दोगे, लेकिन फ्यूकस है ये लिख दिया, मान लीजिए फ्यूकस है, व्हाट इज ए फ्यूकस, फ्यूकस लिख दिया और नीचे दे दिया फंजाई है, सेवाल है, ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे फंजाई हो सकता है, क्योंकि फ्यूकस और फंजाई जो है वो सिमिलर सिमिलर टर्म लगती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, फ्यूकस एल्गी को ही कहते हैं क्यों, ठीक है। तो ये बात हुई रोमन लोगों की, रोमन लोग इसको फ्यूकस बोलते हैं, भी फ्यूकस ही बोलेंगे, ठीक है। चाइनीज लोग क्या बोलते हैं इसको, चाइनीज लोग बोलते हैं इसको साओ, साओ, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग अलग है, ध्यान रखना, यहाँ पर साओ में टी आता है इसका, साओ, टी साइलेंट है साओ, ठीक है। लिख दूँ मैं इसको हिंदी में साओ, ये साओ है, ये फ्यूकस है, फ्यूकस, ठीक है, और ये शैवाल है, शैवाल, ठीक है, शैवाल, फ्यूकस और साओ, साओ के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ जैसे जापानीज लोग की बात करें अपन, हवाई द्वीप के लोग जो हैं वो इसको खाते हैं, हवाई द्वीप के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फूड के रूप में, और वो इसको बोलते हैं लीमू, क्या बोलते हैं लीमू, ठीक है। तो हवानियन, हवानियन लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, लीमू बोलते हैं, लीमू, ये देखो लीमू है ना, क्या बोलते हैं लीमू बोलते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम है सेवाल के, कहाँ किस जगह किस नाम से जाना जाता है ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है इसको, यहाँ से भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ नहीं बनेंगे तो आपके एग्जाम में, दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर बनेंगे, ठीक है, बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन इसकी, कि जो सबसे पहले जो है डिस्कवरी, ठीक है ना, फाइकोलॉजी की इंडिया में किसने की, बात समझ में, भारत के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, मतलब प्रथम जो डिस्कवरी है करने वाला कौन, ये प्रश्न भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो वो है कौन, घोष, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर किसने किया इसको, यहाँ लिख लेते हैं अपन, फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, तो फर्स्ट डिस्कवरी की थी इसकी किसने, घोष ने, ठीक है, किसने की थी, घोष ने की थी फर्स्ट डिस्कवरी, पायनियर डिस्कवरी है, ठीक है। और कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, भारत में, भारत में ही की गई है, ठीक है ना। फर्स्ट डिस्कवरी इन इंडिया भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट है, तो यहाँ हम ये लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान रहेगा, फर्स्ट डिस्कवरी इन इंडिया, भारत में सबसे पहले किसने खोज की, डिस्कवरी किसने की इसकी, इसमें भारत में फर्स्ट डिस्कवरी, अरे फिर मैंने लिख दिया इन इंडिया, लिखो यहाँ पर ना, फर्स्ट डिस्कवरी इन इंडिया किसने की है, तो ये की है घोष ने, घोष, घोष नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने की, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्लांट ली, मतलब जो एल्गी है सेवाल, वो था ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके ऊपर काम किया है इन्होंने, ठीक है। और इनका जो काम था वो कहाँ था, पंजाब के अंदर था, बर्मा में, पंजाब में, यहाँ पर इन्होंने रिसर्च किया था, किसके ऊपर, सेवाल ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर। तो ये लिख लेना आप चाहो तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी में, यहाँ क्या स्टडी किया इन्होंने, इन्होंने स्टडी किया था ब्लू ग्रीन एल्गी को, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित सेवाल की स्टडी की थी इन्होंने, अगर आ जाए पूछ ले तो ध्यान रख लेंगे अपन, ठीक है। तो ये हुआ काम किसका, हमारा फर्स्ट डिस्कवरी इन इंडिया का, ठीक है। अब फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फादर ऑफ, फादर ऑफ, क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है, ऊपर वाला नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है,
ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एम ओ पी अयंगर को, इसको कहा जाता है प्रोफेसर एम ओ पी अयंगर, ठीक है, किसको कहा जाएगा, एम ओ पी अयंगर को कहा जाएगा, प्रोफेसर है एम ओ पी अयंगर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है, एम ओ पी में इन्होंने जो फ्रिस्चेला है आपका वो खोजा था, तो ये भी देख लिख लेते अपन, इनकी जो खोज की क्या थी, फ्रिस्चेला, फ्रिस्चेला, ठीक है, फ्रिस्चेला सेवाल के ऊपर इन्होंने काम किया था, इसलिए इनका नाम जो है क्या है, सी एच आई ई डबल एल ए, सी एच आई ई डबल एल ए, फ्रिस्चेला है ना, फ्रिस्चेला नाम का जो सवाल है इसकी खोज इन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो, अब हमसे पूछा पूछ लिया जाता है कि, वैसे तो पूछा नहीं जाता फिर भी मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी कहाँ है, ठीक है, स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी कहाँ है और ये किसने स्थापित किया, देखो बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो अगर इसमें घुसा जाए तो बहुत कहानियां बन जाती हैं यहाँ पर, फिर भी आप ध्यान रख लेना, एक दो चीजें और लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान समझना, स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, या स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बीएचयू को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, क्योंकि सबसे पहले काम जो है यहाँ पर ही शुरू हुआ था, इसको कहा जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी स्थापना किसने की, ठीक है, इसको एस्टाब्लिश किसने किया, तो ये क्या था, प्रोफेसर हैं एक वाई भारद्वाज करके, क्या नाम है इनका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को एस्टाब्लिश किसने किया ना, ये पूछेगा हमसे कि इसको एस्टाब्लिश किसने किया, तो इसको एस्टाब्लिश किया था प्रोफेसर, प्रोफेसर वाई भारद्वाज है ना, इसने क्या था, प्रोफेसर वाई भारद्वाज ने, ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वाई भारद्वाज का, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक शाखा बनाई थी, एक नई ब्रांच खोली थी, जिसे कहा गया स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी, क्योंकि पहले स्कूल्स चलते हैं, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ कुछ भी, मतलब इस तरह के जो सब्जेक्ट चलते हैं हमारे, उनको स्कूल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है, हर ब्रांच को एक स्कूल नाम देते हैं, तो यहाँ पर ये साइकोलॉजी की नई ब्रांच स्टार्ट की इन्होंने एल्गोलॉजी, इस एल्गोलॉजी को नाम दे दिया स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी, ठीक है, अलग से शाखा बना दी गई, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी अपनी चलती है, ऐसे उन्होंने यहाँ पर एक शाखा बना दी स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी, कहाँ बनाई गई, सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर इसको बनाया गया, बनाने वाले कौन है, प्रोफेसर वाई भारद्वाज है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एल्गी शब्द किसने दिया, अभी तक हमने ये बात नहीं की, हमने अभी तक डिस्कवरी की बात की थी, तो सबसे पहले एल्गी शब्द जो देने वाला वैज्ञानिक है वो कौन है, जिसने शब्द कहा एल्गी, एल्गी शब्द नाम दिया फर्स्ट, सबसे पहले वो कौन है, लीनियस, सिंपल सी बात है, तो फर्स्ट फर्स्ट नेम किसने दिया है, एक सेकेंड, नाम सबसे पहले किसने दिया, नेम, ठीक है, नेम क्या नाम दिया, एल्गी नाम सबसे पहले किसने दिया, तो एल्गी नाम सबसे पहले किसने दिया, लीनियस ने, ठीक है, किसने दिया, लीनियस, एकदम छोटा लीन,
दिन तो भी हम क्या बोलते हैं, लीनियस ही बोलते हैं। आप चाहो पूरा लिख लो, लीनियस, लीनियस, ठीक है। लीनियस ने ये नाम दिया, ठीक है। कब दिया ये ज्यादा वैल्यू नहीं करता है, वैसे 1753 में दिया है, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखो। आप इतना याद रखो, सबसे पहले एलबी नाम जो है वो किसने दिया है, लीनियस ने ही दिया है, ठीक है। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते, सामान्य जानकारी थी, अब जनरल कैरेक्टर पे आ जाते हम, ठीक है। तो ये कैसा होता है, जो आपका सेवाल होता है, एलगी होता है, ये किस तरह का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, फिर से एक बार, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोबारा से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सामान्य जानकारी हमने पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं ओरिजिनल जनरल कैरेक्टर जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा होता है सेवाल को अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो ये बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, ये होता है ग्रीन, ठीक है। इट इज ए ग्रीन या ग्रीनिश, ग्रीनिश कैसा होता है, ग्रीनिश होता है। दूसरी चीज, ये एक्वेटिक होता है, जल के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, एक्वेटिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। एक तो ग्रीनिश है और दूसरा कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक को हम क्या बोलते हैं, सोपोशी बोलते हैं। धीरे धीरे आपको सीख जाओगे सारी चीजें, ऑटोट्रॉफिक को क्या बोलते हैं, सोपोशी, मतलब जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये कैसे है, ग्रीनिश है, ग्रीनिश मतलब हरे रंग के होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। सम यहाँ लिख दो, सम पट भी लगा दो, इसके आगे क्या फर्क पड़ता है, बट यही लिख देते हैं इधर अपन, बट सम आर कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट मतलब कि शैवाल जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ऑटोट्रॉफिक हो, वो सिम्बायोटिक भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। पैरासाइट को बोलते हैं परजीवी, सिम्बायोटिक को मतलब बोलते हैं सहजीवी, क्या बोलते हैं, सहजीवी। तो ये सहजीवी भी होते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट यानी कि परजीवी भी होते हैं, ठीक है। अब सहजीवी जीवन ये किसके साथ जीते हैं, तो सहजीवी जीवन जीते हैं ये आपके पास में किसके साथ में, फंजाई के साथ में, फंजाई और ये एल्गी, ये दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं जिसे बोलते हैं अपन क्या, लाइकेन। एक तो ये होता है आपका लाइकेन, के अंदर एल्गी फंजाई के साथ सहजीवी जीवन जीता है, ठीक है। इसी तरह सिम्बायोटिक जीवन जीता है एल्गी किसके अंदर, आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म में जैसे हम बात करें साइकस की, तो साइकस की जो रूट होती है, ठीक है, कौन सी रूट है ये भी पूछ लेता है आपसे, तो इस रूट को बोलते हैं अपन कोरेलोइड रूट। कौन सी रूट बोलते हैं, कोरेलोइड रूट। इस कोरेलोइड रूट के अंदर पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। कोरेलोइड रूट के अंदर पाया जाता है आपका एल्गी, और कौन सा एल्गी होता है, तो वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी सिम्बायोटिक होता है यहाँ पर, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, किसके, जिम्नोस्पर्म में किसके अंदर, साइकस की रूट के अंदर। उस रूट को क्या बोलते हैं, तो उस रूट को बोलते हैं कोरेलोइड रूट। कौन सी रूट बोलते हैं, कोरेलोइड रूट बोलते हैं। बात समझ में आ गई मेरी। और कौन सा एल्गी पाया जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है उस रूट के अंदर, जो रूट होती है जिम्नोस्पर्म की, वहां पर ये रहता है, तो वहां पर भी एक सिम्बायोटिक जीवन ये जीता है, ठीक है। परजीवी की बात करें तो परजीवी के रूप में ये पाया जाता है जो चाय की पत्तियां होती हैं, टी लीफ, उनके ऊपर, ठीक है। नाम है उसका सिफेलुरस, सिफेलुरस जो सेवाल होता है वो पाया जाता है चाय की पत्तियों पर परजीवी के रूप में, मतलब यहाँ पर ये रोग पैदा करता है और चाय की पत्तियां खराब हो जाती है, ठीक है। चाय की पत्ती जो होती है, चाय के बागान में सबसे बड़ी समस्या है सिफेलुरस की, ये यहाँ पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल है बहुत सारे, जो आप पढ़ रहे हो ना, ये छोटा मोटा सिलेबस नहीं है,
काफी अच्छा और बहुत ही तगड़ा सिलेबस बनाया गया है, बहुत अच्छा तरीके से आपका सिलेबस है, बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पर हल होंगे। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, छोटे मोटे बड़े, छोटे से लेकर बड़े कंपटीशन तक इस तरह के सवाल जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम आपको केवल ये सिलेबस ही नहीं पढ़ाएंगे, इसके अलावा आपके कंपिटिटिव टाइप की तैयारी भी करवा देंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी कंपिटिटिव टाइप की तैयारी हो जाए कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये सारी बातें याद आ जाए, तुरंत याद आ जाए। ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, यहीं पर आप मेहनत कर लीजिए, बहुत है, सफिशेंट है, काफ़ी सारा जो है चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये एक्वेटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक तो होता है, कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर इस बात को, तो कि ये कैसा होता है, तो ये होता है एक्वेटिक, मतलब तो ज़्यादातर सवाल कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, जलीय होते हैं, लेकिन जल में कहाँ पाए जाते हैं, तो जल के अंदर देखो, आप देखो ये पॉन्ड्स के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक सवाल जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, पॉन्ड के अंदर, डिटेच के अंदर, जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे नाम सुने, उनको बोलते हैं डिटेच, डिच बोलते हैं इनको, डिच यानी गड्ढा होता है, गड्ढे में पाए जाते हैं। ठीक है, टैंक में पाए जाते हैं, आपके पूल्स के अंदर पाए जाते हैं, रिवर्स के अंदर पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, पॉन्ड हो गया, डिच हो गया है ना, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, पॉन्ड तो लिख ही दिया हमने, रिवर हो गया है ना, रिवर के अलावा और भी जहाँ भी पानी का सोर्स है वहाँ पर ये सब जगह पाया जाता है, रिवर हो गया है ना, सी हो गया, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ भी लिख लो, जहाँ भी पानी है वहाँ सब जगह पाए जाएंगे। ठीक है, इनको हम किसके अंदर रखते हैं, तो इनको हम रखते हैं थेलोफाइटा के अंदर। ये क्या होते हैं, इनको रखा जाता है, प्लेस्ड इन थेलोफाइटा, किसके अंदर रखा गया है इनको, थेलोफाइटा के अंदर। अब देखो थेलोफाइटा क्या होता है, थेलोफाइटा उनको कहते हैं जिनमें क्या होता है, थेलस होता है, जिनकी संरचना जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है थेलस के जैसी। और थेलस क्या होता है, थेलस होता है जिसमें जड़, तना और पत्ती, ठीक है ना, क्या चीज, रूट, स्टेम और लीफ, इनका क्या नहीं हो, डिफरेंशिएशन नहीं हो, ठीक है, नो डिफरेंशिएशन, इसका रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं हो, ऐसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है थेलस। ठीक है, या आप कह सकते हो रूट, स्टेम, लीफ लेस प्लांट, ये कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो सिंपल भाषा में, रूट, स्टेम, लीफ लेस या एब्सेंट होती है इनके अंदर, एब्सेंट प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है, या उसकी कमी हो, ऐसे थेलस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम थेलस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट भी क्या कहलाएंगे, थेलस प्लांट या थेलोइड प्लांट कहलाएंगे, और इनको रखा गया है किसके अंदर, थेलोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर रखे जाएंगे, इसके अंदर थेलोफाइटा के अंदर सारे सवाल थेलस से। ठीक है, थेलोफाइटा क्या है, थेलोफाइटा जो किंगडम है, प्लांट किंगडम, उसका एक डिवीजन है। ठीक है, बात समझ में भाई, थेलोफाइटा क्या होगा, थेलोफाइटा क्या है, पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि व्हाट इज थेलोफाइटा, तो थेलोफाइटा क्या है, प्लांट किंगडम है, देखो ये प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम से एक बात और यहाँ क्लियर कर ले अपन, जो वीट एकर था उसने सभी जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, कौन कौन से किए थे, देखो वीट एकर का पंच जगत अवधारणा आपने सुनी होगी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा यहाँ हम उसको भी देख लेते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 किंगडम कौन कौन से हैं जो व्हीटेकर ने बताए हैं, पहला है मोनेरा, पहला कौन सा है, मोनेरा, ठीक है, दूसरा कौन सा है, प्रोटिस्टा, बोलते जाओ आप, प्रोटिस्टा,
तीसरा कौन सा है फंजाई, तीसरा कौन सा है फंजाई, चौथा कौन सा है प्लांटी, प्लांटी, और पांचवा कौन सा है एनिमेलिया, पांचवा कौन सा है एनिमेलिया। ठीक है, ये पांच किंगडम हो गए। ठीक है, अब जिस किंगडम की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा किंगडम है, फोर्थ नंबर का किंगडम है प्लांटी। इस प्लांटी किंगडम का, ये प्लांट किंगडम हो गया, इस प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है ये। ठीक है, ये क्या है डिवीजन, डिवीजन प्रभाग बोलते हैं हिंदी में, डिवीजन को क्या बोलते हैं प्रभाग। ये डिवीजन क्या है इसका थेलोफाइटा, डिवीजन क्या हो गया भैया थेलोफाइटा हो गया, समझ में आ गया, डिवीजन क्या हो गया थेलोफाइटा हो गया, प्लांट किंगडम का डिवीजन है थेलोफाइटा। ठीक है, अब ये जो थेलोफाइटा है इसमें ऐसे प्लांट को रखा गया है जिनमें कोई रूट कोई स्टेम या फिर कोई लीव्स नहीं पाई जाती। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल प्लांट ही आते हैं, समझ में आया, जैसे एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब बैक्टीरिया भी इसी में आ जाते हैं थेलोफाइटा के अंदर ही, लेकिन ये प्लांटी का पार्ट है केवल। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि कभी कभार हम प्लांटी के अंदर जो थेलोफाइटा उसमें बैक्टीरिया को भी काउंट करते हैं, है ना, हम फंजाई को भी काउंट करते हैं, फंजाई भी थेलोफाइटा ही है। ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो अलग तरह का क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर थेलोफाइटा, लेकिन थेलोफाइटा को हमने ले लिया है इस क्लासिफिकेशन के अंदर भी। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ थोड़ा सा समझना आप, बहुत काम की चीज़ है और आपको बहुत सारे जो दिमाग में जंतुओं को क्लासिफिकेशन करने का जो नज़रिया है वो बदलेगा इस चीज़ को समझने के बाद। देखो मोनेरा के अंदर रखे गए हैं आपके प्रोकैरियोट्स, मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या हैं जी प्रोकैरियोट्स हैं, मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है यूकैरियोट्स, ये ध्यान रख लो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे मोनेरा के अंदर, बाकी सब किस में आएंगे प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया सब आएंगे यूकैरियोट्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे लिए। ये मोनेरा जो है उसमें आएंगे केवल प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, अब थोड़ा थेलोफाइटा को समझ लेते हैं, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात है, लेकिन थेलोफाइटा शब्द तो पहले ही बन गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले ही। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, इसके अंदर इस थेलोफाइटा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो रिलेटिवली क्या हो सिंपल हो। थेलोफाइटा में क्या है, थेलोफाइटा में कौन से ऑर्गेनिज्म है कंटेनिंग रिलेटिवली रिलेटिवली सिंपल सिंपल ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके अंदर रिलेटिवली सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर रखे गए। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर रूट नहीं होगी, स्टेम नहीं होगा, और क्या नहीं होगा आपका लीव्स नहीं होगी, है ना। तो नो या आप लिख लो ना, विदाउट लिख लो भाई, नो की जगह लिख लो आप विदाउट, विदाउट लीफ रूट एंड स्टेम, बिना लीफ रूट और स्टेम के जो प्लांट हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं आपके थेलोफाइटा के अंदर, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, लाइकेन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब आते हैं इसके अंदर, है ना थेलोफाइटा में। ये प्लांट किंगडम का ही पार्ट, लेकिन इनको भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। मैंने आपको रीजन बता दिया क्योंकि थेलोफाइटा सब पहले से लिया गया है, तो जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म थे सबको थेलोफाइटा के अंदर रखा गया था, बाद में इसको बदलकर प्लांटी के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए इसके अलावा एक बात और है यहाँ पर, वो क्या है कि थेलोफाइटा के अंदर उन जीवों को भी रखा गया है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, थेलोइड प्लांट होता है, कोई टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा है, कोई टिश्यू नहीं पाया जाता है कुल मिलाकर। तो ये हमने लिख दिया प्लांट किंगडम के अंदर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इधर कि रूट स्टेम लीफ जो है यहाँ पर क्या है एब्सेंट होती है, तो इसी को ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है।
इनको किस में रखा गया है, थेलोफाइटा के अंदर रखा गया है। चले अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है तो खुद का भोजन क्या बनाते, खुद ही बनाते। तो खुद भोजन बनाने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल। समझ में आई बात? तो इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है ना प्रेजेंट, वो डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पर पांच प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ये देख लो आप, ये पांच प्रकार का जो क्लोरोफिल है ये केवल शैवाल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा पाया जाता है, ए बी सी डी और ई, ये चारों पांच प्रकार हो गए ना। पांच प्रकार का जो है क्लोरोफिल ये केवल किसमें पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। प्लांट में दो ही प्रकार का पाया जाता है, जो वायर प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, कि इनमें से जो क्लोरोफिल ए होता है, ये क्लोरोफिल ए जो है वो कैसा है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल क्लोरोफिल। मतलब जहां भी आप हरा रंग देख रहे हो प्लांट्स के अंदर, वो उस हर एक के अंदर, चाहे हरा हो, नीला हो, पीला हो, कोई सा भी रंग हो, हर रंग के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाएगा ए, ठीक है। अगर बी पाया जाता है इसके अंदर, इस ए के साथ में बी, क्लोरोफिल ए प्लस बी हो, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। कौन सा कलर बनाते हैं, ग्रीन कलर। तो जो भी ग्रीन दिखता है आपको वहां समझ जाइए क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। ये बी क्या है, एक सहायक वर्णक हो गया इसका, असेसरी वर्णक हो गया। तो यहाँ पर ये, इसके अलावा ये जितने भी ये सब सहायक हैं, ठीक है। जैसे ये सी है तो ये नीला बनाता है, ई है तो लाल बनाता है, ई है तो सुनहरी बनाता है, ठीक है। लिख लो चाहो तो आप, सी अगर आ जाए ए के साथ में तो ये कैसा बनाता है, ब्लू बनाता है, ब्लू कलर देता है। अगर डी आ जाए तो ये रेड कलर देता है, ए के साथ डी जोड़ दें हम तो रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये आ जाए आपका तो ये देता है आपका कुछ गोल्डन टाइप का, सुनहरी हरा ब्राउन कलर भी दे देता है, गोल्डन ब्राउन, ठीक है। अलग अलग कलर मिक्सर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके साथ में और दूसरे पिगमेंट कौन से आ रहे हैं, ठीक है ना। वो तो क्लोरोफिल समझ में आ गया आपको, कि क्लोरोफिल यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। इन सब के अंदर क्लोरोफिल जो एल्गी में होता है वो पांच प्रकार का होता है। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी तो सामान्य जानकारी हम ले रहे हैं, तो बीच बीच में चीजें आ रही है तो मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ, ताकि जब हम पढ़े तो उस चीजें स्पेसिफाई रहे हमारे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर टिश्यू जो होता है, टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है भैया। क्या होता है जी, एब्सेंट, मतलब कोई ऊतक तंत्र नहीं पाया जाता, टिश्यू सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है बिल्कुल, यहाँ पर कोई टिश्यू नहीं पाया जाता है, ठीक है। न ही प्लांट बॉडी में कोई टिश्यू डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। नो टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब आप इसको दो बार लिखो चाहे एक बार लिखो, एक ही बात है, नो टिश्यू डिफरेंशिएशन इन प्लांट बॉडी, ठीक है। प्लांट बॉडी में किसी प्रकार का कोई ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता है। टिश्यू डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू डिफरेंशिएशन को बोलते हैं ऊतक विभेदन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भैया, ऊतक विभेदन बोलते हैं, ठीक है। और टिश्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऊतक तंत्र। तो ना तो ऊतक तंत्र पाया जाता है, ना ही किसी जो है टिश्यू का डिफरेंशिएशन पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, क्या अपवाद है भैया, अपवाद पूछना, अपवाद मतलब क्वेश्चन, अपवाद आ गया तो प्रश्न बन गया, ये मान के चलिए आप, क्योंकि एग्जामिनर हमसे यही पूछता है। अपवाद अगर आपको याद है तो इसका मतलब आपको सारी कहानी पता है, तभी तो आपने अपवाद का आंसर दिया है, ठीक है। अब अपवाद क्या है, देखो टिश्यू डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर लिख दिया कि टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, लेकिन पाया जाता है, एक एक्सेप्शन है अपने पास में, कौन है, अलवा, अलवा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अलवा हो गया एक, तो ये लिखो आप, एक्सेप्शन लिखो यहाँ पर, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपन अपवाद, ठीक है। अपवाद क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन क्या है, अलवा। अलवा जो होता है, अलवा हो गया, सार्गेसम,
सार्गेसम भी है ये, ठीक है, अलवा और सार्गेसम, सार्गेसम जो शैवाल होता है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पाया जाता है भैया कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर पाया जाता है कॉम्प्लेक्स थैलस, कॉम्प्लेक्स थैलस, और वो हमें ऐसा आभास देता है जैसे कि यहां पर क्या पाया जाए, पेरेन्काइमा पाए, ठीक है। मतलब ये पूरा कंप्लीटली डिफरेंशिएट तो नहीं होता, ये कह सकते हो आप कि कुछ कुछ डिफरेंशिएट होता है, कुछ कुछ ये हमें एक तरीके का ये कह सकते हो कि सूडो पेरेन्काइमा पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हमने कहा कि टिश्यू नहीं पाया जाता, हमने कहा कहा कोई टिश्यू सिस्टम नहीं होता, मतलब टिश्यू सिस्टम है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप अलवा और सार्गेसम को देखोगे तो आपको ये आभास देगा कि जैसे यहाँ पर कोई टिश्यू अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूडो पेरेन्काइमा पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी, सूडो पेरेन्काइमा, ठीक है, सूडो पेरेन्काइमा पाया जाता है, मतलब कि आभासी पेरेन्काइमा जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, होता नहीं है, ऐसी दिखाई देती है, हमें समझ आता है कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि भाई आप नहीं कर सकते कि टी सिस्टम नहीं पाया जाता, ऊतक का विभेदन नहीं होता, लेकिन होता है, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, पर्टिकुलर प्योर नहीं होता है, वो कैसा होता है, आभासी जैसा होता है, दिखता है हमें, महसूस कर सकते हैं हम। अलवा को जब आप हाथ में लेकर देखोगे तो बिल्कुल एकदम कागज की झिल्ली जैसा होता है, और कागज की झिल्ली है इसका मतलब वहां पर मल्टीपल सेल है, और मल्टीपल सेल है तो उनका फंक्शन भी सेम है, ठीक है ना, यही तो होता है। टिश्यू होता क्या है, टिश्यू वो होता है क्लस्टर ऑफ सेल, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान आकार प्रकृति का हो और समान कार्य करता हो, एक ही कार्य करता हो, समान कार्य करता हो, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका आकार आकृति समान हो और वो कार्य भी कैसा करता हो, समान करता हो, क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा टिश्यू क्लस्टर, मतलब कि सेल क्लस्टर जो क्या करता हो, समान शेप का हो, समान मॉर्फोलॉजी का हो और वर्क भी उसका क्या हो, सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो सूडो पेरेन्काइमस जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल होती हैं, कोशिकाएं जो यहाँ पर होती है वो क्या होती है, लगभग समान प्रकार की होती है। आगे बात समझ में यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जितनी भी एल्गी है, कुछ को छोड़ दे हम, तो सारी क्या है, जलीय होती है, ये हमने कहा भी, मतलब जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पर हम देख लें इसकी, कि इसके अंदर लिख ही लेते हैं इस चीज को, जितनी भी शैवाल है, ठीक है ना, कुछ को छोड़कर सारी क्या होती है, एक्वेटिक होती है। तो ऑल एल्गी एक्सेप्ट एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्यू का मतलब है कुछ को छोड़कर। देखो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जब ये शब्द आएंगे तो आपको कंफ्यूज ना करें। फ्यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट, वो अलग चीज होते हैं ना, ये एक्सेप्ट है, इसका मतलब है कुछ को छोड़कर, छोड़कर है ना, इसके अलावा, इसका मतलब क्या है, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या है, अलावा, इसका मतलब है अलावा, ठीक है, कुछ के अलावा। जितने भी एल्गी हैं क्या है, सारे के सारे एक्वेटिक हैं, आर एक्वेटिक, आर एक्वेटिक यानी कि जलीय, एक्वेटिक का मतलब है जलीय, कैसे शैवाल हैं, सारे के सारे जलीय शैवाल, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, हिंदी में लिख रहा हूँ उससे कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए आपको, है ना। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, क्योंकि तो देखो हिंदी वाले ही बच्चे हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनको तो मैं लिख ही रहा हूँ, इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ मैं, बाकी जो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए, कहानी समझ में आ जाए, पकड़ लें इस चीज को और हमारे साथ साथ चल सके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। हमने इसके अंदर आपके लिए कम्युनिटी जो है उसको खोल रखा है, जब आप एक कोर्स पढ़ रहे हो आप नया वाला, तो आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, उसका जवाब हम आपको देंगे 100%। यहाँ पर सब कुछ खोल दिया गया है, पहले हमने जो है ब्लॉक कर रखे थे सारी चीज़ें, अब हमने सारा सब कुछ खोल रखा है, आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आया उसके बारे में, कोई क्वेश्चन है आपके पास में उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हो, उसको डाउट्स वाला सेक्शन है इसके अंदर, उसमें डाउट पूछ सकते हो, तो बहुत सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर की है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ क्या है भैया, जलीय है, ठीक है। अब थेलस के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कैसे होती है, सिमिलर होती है। तो
जितनी भी सवाल के अंदर सेल है, ऑल द सेल इन थैलस आर मोर्फोलॉजिकली आर मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली क्या होती है, सिमिलर होती है। सिमिलर मतलब समान प्रकार की कोशिकाएं यहां पर पाई जाती है, लेकिन फंक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो सेल होती है, सेल कोशिका, देखो एल्गी की सेल किस पे रखी है, जैसे ये वाली सेल है ये क्लेमाइडोमोनास हम बना देते हैं, यहाँ पर वोल्वॉक्स क्लेमाइडोमोनास एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया इसका। ठीक है, ये इसका हो गया फ्लेजिला, फ्लेजिला। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस हमने देख लिया, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस इसमें थोड़ा छोटा बना दो आप, क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा बड़ा बना दो। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो कप शेप का पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हम थोड़ा गोल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये न्यूक्लियस, अब सॉरी, ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर ये पाया है इसका क्लोरोप्लास्ट, तो बोलेंगे अपन क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर वो एक ही होता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, कप शेप का पाया जाता है। यहाँ पर कुछ आई स्पॉट भी पाए जाते हैं। ये मैं एक सेवाल का डायग्राम बना रहा हूँ, जनरली बहुत सारे सेवाल का डायग्राम हम बनाने हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एल्गी दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है ना। तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया। अब यहाँ इसका जो बाहर वाला भाग होता है इसमें पाई जाती है क्या, सेल वॉल। क्या पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक है, इस तरह का भी होगा एल्गी। एल्गी जो है आपका इस तरह का फिलामेंटस होगा, जैसे कि ओसिलेटोरिया होता है, तो इसमें यहाँ पर इस तरह की कोशिकाएँ होती हैं। इस तरह का जो एल्गी होता है वो फिलामेंटस होता है। ठीक है, ये एक सेल हो गई, यहाँ पर ये भी एक सेल हो गई, ये अलग अलग सेल है। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें भी वही साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है भैया। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया और ये हो गई इसकी सेल वॉल। तो इसका मतलब है कि हर एल्गी के पास में क्या है जी, सेल वॉल। एल्गी के पास क्या है, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल यहाँ पर पाई जाती है। तो हर सेल के पास में क्या है, सेल वॉल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, सेल हैज ए सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है। ठीक है, तो देखो जो अगर सिंपल एल्गी की बात करें हम, तो सिंपल एल्गी के अंदर तो जनरली ये सेलुलोज की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है, आप याद रख लेना इसको, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की ही बनी होती है एल्गी के अंदर। अब देखो इसके अंदर अगर हम जनन की बात करें, तो जनन के अंदर आते हैं हमारे पास में सेक्स ऑर्गन। क्या आते हैं, सेक्स ऑर्गन, यानी कि जननांग। तो जननांग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो सब कुछ क्या है, एक एक कोशिका है पूरी। अभी हमने देखा डायग्राम के अंदर एक सिंगल सेल थी, कुछ बहुत सारी कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, थीके? तो उनकी हर एक कोशिका ही क्या करती है, जनन करती है। जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया, ये एक कोशिका है, अभी हमने बनाया ये एक कोशिका है, ये जनन कर सकती है अकेली। ठीक है, ये हमने बनाया यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम, जो कि इसका है आपका ओसिलेटोरिया का है। ठीक है, इसको मान लो आप क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है ये, ये आपका डायग्राम है ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया। ठीक है, ये ओसिलेटोरिया का डायग्राम है। इसके अलावा और बना लेते हैं अपन, हैं चलो दो से समझ लेते हैं। बहुत से होते हैं जो सिंगल इस तरह से आकार होता है इसका, मतलब एक पूरी एक केवल कोशिकाएं होती है इस तरह से, और उसमें एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये इस तरह की संरचनाएं हैं बहुत सारी इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर ये कोशिका है, ये कोशिका डिवीजन करेगी, अगर मान लो ये विभाजन करेगी तो ऐसे दो कोशिकाएं बना लेगी अपनी, दो फ्लेजिला वाली कोशिकाएं बनाएंगी। यहाँ पर भी हर कोशिका जो है वो, ये कोशिका भी जनन कर सकती है, ये कोशिका भी कर सकती है, ये 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 भी कर सकती है, सब कोशिकाएं जनन कर सकती है। मतलब पर्टिकुलर हर कोशिका के पास में वो कैपेसिटी है कि वो क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। समझ में आएगा। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। समझ में आ गई बात, यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिके होते हैं।
ये भी एक कोशिका है, कर सकते हैं, इसकी प्रत्येक कोशिका जनन कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। तो हर कोशिका यहाँ पर जनन कर सकती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर जनरली, ठीक है। लेकिन जब ये मल्टी सेलुलर हो, जैसे इसकी बात करें, ये कैसा है, ये प्लांट कैसा है, यूनिसेलुलर है, ये प्लांट है यूनिसेलुलर, ठीक है। इसको हम बोले ये भी है तो सब कोशिकाएं एक एक साथ जुड़ी हुई, लेकिन एक साथ जुड़ी हुई है इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर, क्या कह सकते हैं इसको हम, मल्टी सेलुलर, उसको कहेंगे यूनिसेलुलर, इसको कहेंगे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर ये है तो खुद ही जनन कर सकता है, लेकिन जब मल्टी सेलुलर हो तो, ठीक है, अगर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, क्या हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रत्येक जो सेल है, ईच सेल कैन रिप्रोड्यूस, कैन डू रिप्रोडक्शन, ईच सेल कैन डू रिप्रोडक्शन, प्रत्येक कोशिका क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है, मल्टी सेलुलर है, तो ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेलुलर है तो प्रत्येक कोशिका क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखें हम तो, यहां पर इस कोशिका से, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है, तो कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यहां पर ये खास बात है इसकी कि यहां पर कोई किसी प्रकार का गैमेटिक फ्यूजन होता है तब भी एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं नो एम्ब्रियो फ्यूजन, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, किसी प्रकार का कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेटिक, गैमेटिक फ्यूजन, कोई गैमेटिक फ्यूजन भी होगा तब भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है, ठीक है। और देखो जितने भी आपके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो, उनके ऊपर कोई जैकेट भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर मेंशन कर लो आप, अच्छा पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपकी कैसे नहीं होता। देखो जैसे भी हमने कहा क्लेमाइडोमोनास के बारे में, ये हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास है, इस तरह से वॉलवॉक्स मान लीजिए, आप वॉलवॉक्स ले लो, अब इसको आप नाम ले लो वॉलवॉक्स ले लो, तो ये क्लेमाइडोमोनास भी ले लो, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है अपने पास में। अब ये इसमें क्या होता है कि ऐसे दो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लेमाइडोमोनास, 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 ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। अब देखो ये क्या होता है, इसके अंदर इसमें जनरल कैसे होता है, ये दो सेल हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है, संरचना भी इनकी समान है। अब ये क्या है, अपना जीवन यापन कर लेते कुछ समय के बाद, जब इनका जीवन पूर्ण हो जाता है, इनको लगता है कि अब हमें जनन करना चाहिए, तो क्या होता है कि ये दोनों कोशिकाएं आपस में इस तरह से मिल जाती हैं, इस तरह से आपस में फ्यूज हो जाती है और एक नई कोशिका बना लेती है। पहले इनके जो फ्लैजिला है वो हट जाते हैं, यहाँ से फ्लैजिला हट जाएंगे, इन दोनों का साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, और फिर इनके ऊपर से नया फ्लैजिला जो है वो ग्रो हो जाएगा इस तरह से, और एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ये इस तरह की जो संरचना है ना, उस तरह से अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो, अब इनको हम क्या कहेंगे, दो फ्यूज हो रहा है तो गैमेटी कहेंगे, ये दो सेल है, पहले सेल थी, अब ये सेल गैमेट की तरह व्यवहार करने लग जाती है, पहले क्या थी, ये सेल, ठीक है, अब ये गैमेट बन जाती है, क्या बन जाती है, गैमेट। तो गैमेट बन जाती है, गैमेट आपस में मिलते हैं, तो गैमेट के आपस में मिलने पर, अब देखो इसमें से एक को हम प्लस बोल दें, एक को माइनस बोल दें, एक को नर बोल दें, एक को क्या बोल दें, मादा बोल दें, तो एक नर है एक मादा है, दोनों आपस में मिक्स हो गए, मिक्स हो गए तो गैमेट, उनको जो नर और मादा है, युग्मक है, गैमेट है, वो आपस में फ्यूज होंगे तो उनसे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ कोई जायगोट नहीं बनता, यहाँ पर नई सेल बन गई वापस से। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं रीजुविनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, रीजुवेनाइजेशन, ठीक है, पुनर्जीवन, रीजुवेनाइजेशन, पुनर्जीवन ले लेती है ये
दोबारा से जीवित हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एम्ब्रियो फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहां पर नया प्लांट जो बनता है मियोटिक डिवीजन के बाद में, ठीक है, जायगोट से, मान लो अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जायगोट तो बनेगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट तो बनेगा, तो जो नया प्लांट डेवलप होता है मियोटिक डिवीजन से। अब देखो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, क्योंकि हम तो अभी छोटी छोटी बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर मियोसिस भी होता है, ठीक है, मियोसिस भी होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट में जो जायगोट बनता है उसमें फिर से मियोसिस होता है और फिर से नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो जो प्लांट बनता है वो गैमेटिक प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है, गैमेटिक प्लांट। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, कहीं आप पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज और बता देता हूँ, क्या है कि देखो जैसे मान लीजिए ये हमारे दो गैमेट हैं, ठीक है, यहाँ समझना आप, एक गैमेट हो गया आपका, ये गैमेट हो गया, ठीक है, इसको आप मेल गैमेट मान लो, और एक दूसरा गैमेट हो गया आपका फीमेल गैमेट, कौन सा गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया। ठीक है, ये दो गैमेट हो गए दो तरह के, एक गैमेट मेल है एक गैमेट फीमेल है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा आपका, जायगोट बनेगा, मतलब तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जायगोट। ठीक है, अब जायगोट किस में बदलना चाहिए, एम्ब्रियो में, तो यहाँ पर एम्ब्रियो तो बनता नहीं है, इस जायगोट में क्या होता है, इस जायगोट में होता है मियोसिस, क्या होता है भैया, मियोसिस। अब मियोसिस होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा, तो जो सेल होंगी कौन सी सेल होंगी, मियोटिक सेल, वो मियोटिक सेल नया गैमेटोफाइट तैयार कर लेंगे, तो नया प्लांट बनाएंगे, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये जायगोट बन गया, जायगोट के बाद में ये आपका हो गया यहाँ पर मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन से नया प्लांट बनेगा, न्यू प्लांट, न्यू थैलस तैयार हो जाएगा, या न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गया, इस तरह की संरचनाएं भी शैवालों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं न्यू प्लांट डेवलप, नया प्लांट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इससे हो रहा है मियोटिक डिवीजन से, आफ्टर न्यू प्लांट डेवलप आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन जायगोट। समझ में आ गया है, जो मैंने कहा भी आपको कि जायगोट में मियोटिक डिवीजन होता है, उससे क्या बनता है, नया प्लांट बनता है, और वो कैसे होता है ये मैंने आपको बता भी दिया, इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर अलग होती है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर अलग होती है, दोनों ही इंडिपेंडेंट होती है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे ब्रायोफाइट में आप जाओगे तो वहां पर गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। ठीक है ना, वो स्पोरोफाइट जो होता है फूड वगैरह जो भी होता है वो अपना खुद का लेता है। यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंड होती है। ठीक है, कैसी होती है, इंडिपेंड, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ठीक है, जनरेशन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र होती, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र होती है। गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन दोनों क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, जब हम लाइफ साइकिल के अंदर इसको दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं अपन कि हमारा ये एक साइकिल बनाते हैं, अपन लाइफ साइकिल बनाते हैं एल्गी का। देखो ये हमने कहा कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये एन प्लांट है, यहाँ पर हम एक प्लांट बना लेते हैं इस तरह का, मतलब तंतु ही बना लेते हैं, यहाँ तो इस तरह का ही रहते हैं तंतुनुमा स्ट्रक्चर, तो एक एन ये है, ठीक है, इसको आप मेल बोल दो, और यहाँ पर एक और आप ले लो, इसको आप क्या बोल दो, फीमेल बोल दो, ये भी एन है, एन प्लांट है, ये भी क्या है, फीमेल है। ठीक है,
इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों में हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा यहां पर आपका, जायगोट बनेगा। ठीक है, अब ये जायगोट क्या हो जाए, ये जायगोट अपनी वृद्धि कर ले, ग्रोथ कर ले, क्या कर ले अपनी ग्रोथ कर ले, ये जायगोट अपनी ग्रोथ कर ले, और ग्रोथ करने के बाद में ये नया प्लांट बना ले। ठीक है, क्या बना ले, नया प्लांट बना ले। अब ये जो प्लांट बनेगा, इस प्लांट पर, इस प्लांट के अंदर बनेंगे क्या, स्पोर। इस प्लांट में क्या बनेंगे, स्पोर। तो ये जो प्लांट होगा, इस प्लांट को कहेंगे अपन क्या, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट। और ये जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, ये वाले मेल और फीमेल गैमेटिक थैलस बनाएंगे। समझ तो में आ गई मेरी बात। तो ये प्लांट वाली स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान से समझना आप इस चीज को। ये प्लांट वाली स्ट्रक्चर अलग है और ये प्लांट वाली स्ट्रक्चर अलग है। तो ये जो प्लांट वाली स्ट्रक्चर है, इसको तो हम कहेंगे गैमेटोफाइट, क्योंकि तो ये गैमेट बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे। और इसको ये स्पोर बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ क्या हुआ, जायगोट था। इससे पहले हमने कहा था कि जायगोट डायरेक्टली डेवलप हो जाता है मियोसिस। अगर देखो यहाँ पर होता है मियोसिस, अगर यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस होता है तो वापस यही जनरेशन आ जाती है। मियोसिस होता है तो मियोसिस होगा तो एन एन सेल बनेगी, एन एन सेल आगे चलकर यही प्लांट बना लेगी, तो ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर इस जायगोट के अंदर हो क्या, माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो ये जायगोट क्या है, टू एन है, तो यहाँ पर ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा तो प्लांट भी क्या बनाएगा, ये टू एन ही बनाएगा। ठीक है, अब इस टू एन प्लांट के अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा भैया, मियोसिस। मियोसिस होगा तो स्पोर बनेंगे, ये जो स्पोर बनेंगे ये होंगे एन प्रकार के, और ये एन प्रकार के स्पोर जर्मिनेट होंगे तो वापस से एन मेल और फीमेल बना देंगे। समझ में आ रही बात है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं, एक दो बार में समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो आप देख करके देख लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये बात हुई हमारी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इसमें जो मेन प्लांट होता है वो क्या होता है, मेन प्लांट। तो जनरली अगर हम बात करें, अभी हमने देखा ना कि यहाँ पर ये दो जनरेशन है, एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन और एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो भैया एक चीज ध्यान रखनी है हमें, जो मेन जनरेशन है वो क्या है आपकी, गैमेटोफाइट ही है, मेन यही है। मुख्य प्लांट जो होता है ये वालों में, वो गैमेटोफाइट होता है। ये तो बाई चांस आती है, बाई चांस, बाई चांस से आती है, बाई चांस ऐसी आती है जैसे कि मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये कहानी बना ली जाती है। ठीक है, फूड कम पड़ गया तो ये कहानी बना ली जाती है, पानी कम हो गया तो ये प्लांट स्पोर में बदल जाता है, क्योंकि स्पोर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट को क्या कर सकता है, बचा के रख सकता है ना, अपने आप को सेव करवा के रख सकता है। समझ में आई बात। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेन प्लांट जो होता है, मेन प्लांट, मेन प्लांट क्या होता है, तो मेन प्लांट ऑफ एल्गी क्या होता है, मेन प्लांट ऑफ एल्गी होता है आपका गेमेटोफाइट। ठीक है ना, क्या होता है भैया, गेमेटोफाइट होता है, ये ध्यान रखना। गेमेटोफाइट मतलब युग्मकोद्भिद, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन जो है वो कितने प्रकार का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर तीनों प्रकार का होता है। कौन कौन से तीन प्रकार हैं जी, तीन प्रकार है आपका। सबसे पहला है वेजिटेटिव, इसमें भी 10-12 पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। दूसरा है आपका सेक्सुअल। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, और आपका एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहाँ पर कि इनके अंदर, क्योंकि पानी में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये वाटर के अंदर, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, वेस्कुलर सिस्टम, वो भी क्या होता है इनके अंदर, एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है इनके अंदर,
एब्सेंट, ये ध्यान रखना आप। वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम। अब हमने कहा कि इसमें टिश्यू पाया नहीं जाता, टिश्यू नहीं पाया जाता तो इसका मतलब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाया जाता। सेल वाल हमने कहा कि सेल वाल बनी होती है इसकी, सेलुलोज की हमने पढ़ी। अब देखो एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, रिजर्व फूड क्या होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि एल्गी का रिजर्व फूड क्या है, एल्गी का क्या है जी रिजर्व फूड, एल्गी का रिजर्व फूड क्या होता है। तो एल्गी किसको रिजर्व फूड के रूप में किस किस चीजों को रिजर्व करके अपने पास रखती है, तो जनरली ये स्टार्च को रिजर्व करते हैं, मतलब फूड के रूप में यहाँ पर पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। ऑयल, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो स्टार्च पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, लिपिड। लिपिड की फॉर्म में भी यहाँ पर फूड, ठीक है, पाया जाता है। स्टार्च सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल भी पाया जाता है और सेक्सुअल भी पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर जो है एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव टाइप का होता है ज्यादातर, ठीक है ना, वेजिटेटिव टाइप का। उससे कम अगर हम बात करें तो वो होता है एसेक्सुअल टाइप का, ठीक है, मतलब कम समय के लिए होता है लेकिन करता है सेवाल, एसेक्सुअल भी कर लेता है, कभी फेवरेबल कंडीशन आ रही है कभी अनफेवरेबल कंडीशन है, फ्लक्चुएशन कंडीशन के अंदर एसेक्सुअल करता है, ज्यादातर फेवरेबल में ही करता है, ये भी वेजिटेटिव भी फेवरेबल में करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का पाया जाता है, किसके अंदर, सेवालों के अंदर। अब जनरल क्वेश्चन है, जनरल का मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर जो है वो, अब ये तो देखो यहाँ पढ़ेंगे 10-11 प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे अपन इसके, है ना, वो पढ़ेंगे जब हम बताएंगे, यहाँ हम बता देते हैं अगर क्वेश्चन मान लेते हैं आता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने प्रकार का पाया जाता है। तो जनरली जनरली के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है तीन प्रकार का, एक होता है आइसोगेमस टाइप का, आइसोगेमस, ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस टाइप का, ठीक है, और एक होता है आपका ऊगेमस टाइप का, ऊगेमस, ठीक है। तो यहां पर हम आइसोगेमस को तो बोलते हैं हिंदी में समयुग्मकी, क्या बोलते हैं इसको हम, समयुग्मकी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम असमयुग्मकी, असमयुग्मकी, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अंडयुग्मकी, अंडयुग्मकी। अब समझ में आ गया आपको, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी प्रकार का जनन यहाँ पर पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली जो है वो रिप्रोड्यूस होता है सेवाल, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये भी चाहे तो आप रख लो याद, वैसे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। तो ये तो होता है ज्यादातर किसके अंदर, फेवरेबल कंडीशन में होता है, और ये जो होता है ये शायद ज्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, कौन सी में होता है जी, अनफेवरेबल में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। लगभग लगभग हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ ली है जनरल कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कहां कहां पर आवास पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो आवास ही, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी ना, ये पूरा सेवाल पढ़ लिया आपने, मान के से पूरे सेवाल में बस हमें यही कहानी पढ़नी है, टोटल चीज यही पढ़नी है ना, किस तरह से जनन कर रहा है, किस तरह का थैलस होता है उसका, किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करता है, उसका साइकिल कैसे चलता है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। अब डिटेल में पढ़ेंगे अपन एक एक चीज, अभी हमने शॉर्ट में पढ़ी है सारी चीजें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और जैसा मैंने कहा है आपको, आप लोग कोर्स को बाई कर लीजिएगा, अगर करना है आपको तो, पढ़ना है तो करिएगा, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल भी ना करिएगा, है ना। आप किताब से पढ़िए, किसी से पढ़िए, कोई जबरदस्ती दबाव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर करना है तो थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी इसलिए करिए ताकि आपके पास समय रहे एग्जाम आने तक, आप अच्छा आसानी से अच्छी तरीके से पढ़ सके, ठीक है। अब आप लास्ट मोमेंट पे आते हैं बहुत से स्टूडेंट, सर 2 महीने रह गए, सर 1 महीने रह गए, सर 15 दिन ही कैसे करूँ, अब बताओ 15 दिन के लिए। फिर मैं उनको बोलता हूँ भैया मत लो आप,
कोई जरूरी नहीं है लेना, है ना। मुझे इससे लेना देना नहीं है कि आप किसी को बाय करोगे तो मुझे क्या है 700-800 रुपये का कोर्स है, 1200 रुपये का, 1000 रुपये का, वो मुझे मिलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा मेरे को 1000 रुपये से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो आप लो तो टाइम पे लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे मत लो, लास्ट मोमेंट पे लोगे ना तो आप इसको पूरा पढ़ पाओगे, दिमाग और ख़राब हो जाएगा कि बहुत सारा पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो ये कम से कम ये तो पता रहेगा कि नहीं पढ़ा है भाई, जाके एग्ज़ाम दे लेना अपना, पास उसमें भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, वास्तव में आपको पढ़ाई करनी है, तो आप एग्ज़ाम से कम मिनिमम 3 महीने पहले तो आप इसके को कोर्स को खरीदिए, अदरवाइज कोई खरीदने से फ़ायदा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।